हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल यूनिक पकोड़ा, वो भी बंद गोभी से और चौलाई और बथुआ की सब्जी से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बंद गोभी और चौलाई को मिक्सी जार में ले लिया है। उसी में हमने दो हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और एक प्याज को मोटे मोटे आकार में कट कर लिया था। उसका हम स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे मिक्सी जार में। तो देखिए, अब हमारा पेस्ट भी बन गया है। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। और एक तरफ फ्रेंड्स, हमने एक कटोरी भर गेहूं का आटा ले लिया है। उस गेहूं के आटे में हम यह जो हमने पेस्ट बनाया है बंद गोभी और चौलाई के सब्जी का, तो उसे हम डाल के बिल्कुल पकौड़े के जैसे इसका पेस्ट बना लेंगे। इसमें फ्रेंड्स, अगर आपके पास दही हो तो आप दही भी डाल सकते हो। हमने इसमें दही नहीं डाला था, उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। इसी स्टेज पे हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। अब इसे हम अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। मिक्सी जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के और जो बचा हुआ पेस्ट था उसको भी हम इसी में डाल देते हैं और इसका हम पकौड़े जैसा पेस्ट बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, जैसे हम पकौड़ी के लिए बनाते हैं वैसे ही बना के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमारा बन के तैयार हो गया है पकौड़े के जैसे एकदम बिल्कुल अच्छे से पेस्ट। तो अब हम इसे पकौड़ियाँ बनाएंगे और बहुत ही यह चटपटी सी बनती है। इस तरीके से आप भी ज़रूर बना। एक तरफ हमने कढ़ाई गरम कर लिया है, उसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम चम्मच से धीरे धीरे पकौड़ियाँ छोड़ लेते हैं और धीमी आंच पे हम पकौड़ियाँ फ्राई करेंगे, तो यह बहुत ही यम्मी और क्रिस्पी बनती है। तो देखिए, जितना आपके कढ़ाई में जगह हो उतना धीरे धीरे डालते हुए इसे हम पकाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसे हम कलछी की सहायता से, जब थोड़ा सा सीख जाए तो इसे हम कलछी की सहायता से पलट लेंगे और बहुत ही यह अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनती है और बहुत ही फ़ायदेमंद यह पकौड़ी है। तो देखिए, इसे बनने में 1 से 2 मिनट लगता है और बन के तैयार है। अब एक स्टेप हम निकाल लेंगे और फिर हम दूसरा बेस इसमें हम डालेंगे। और बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनी थी। आपको हमारी रेसिपी फ्रेंड्स कैसी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। और जो सब्जी हरी बची हुई रहती है, बच्चे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो इस तरीके से आप भी ज़रूर बनाइएगा। हमने इसमें बथुआ और चौलाई की सब्जी ऐड की हुई है और बंद गोभी। तो देखिए, दूसरे स्टेप का भी निकल गया है और इसे हम एक कटोरी में निकाल के रख लेते हैं। इस तरीके से आप ब्रेकफास्ट के लिए ज़रूर बनाइएगा। शाम को चाय के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही यम्मी बनी थी यह पकौड़े, हरी चटनी के साथ बहुत ही यम्मी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। देखने में कितना यम्मी लग रहा है, उतना ही यम्मी खाने में भी है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। आपको हमारी रेसिपी फ्रेंड्स कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।